आज हम ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन जो श्री यमुना जी के घाट पर केसी घाट पर बहुत ही अद्भुत और अलौकिक रूप में लगी हुई है, वहां हम कुंभ बैठक के द्वार पर हैं। ये आप सामने देख सकते हैं ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा कुंभ बैठक द्वार, श्री यमुना जी के पावन और पवित्र घाट पर ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन जो 14 फरवरी से 28 मार्च तक है, उसके मुख्य द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ भक्त श्रद्धालुओं की विशेष आवाजाही आप देख सकते हैं। रात्रि के 9 बज चुके हैं, इस समय रात्रि के 8:40 हैं और विभिन्न वैष्णव संप्रदायों के मंडप यहाँ बड़े ही अलौकिक स्वरूप में सजे हुए हैं। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन के अंतर्गत विभिन्न संत महात्माओं, मठाचार्यों, वैष्णव संप्रदायों के बहुत ही सुंदर मंडप यहाँ सजाए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे 4 संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, इन 4 संप्रदायों के जो मंडप हैं वो यहाँ इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन, जिसे हम अर्धकुंभ का नाम भी दे सकते हैं, ये चूंकि हरिद्वार में अभी कुछ दिनों बाद कुंभ प्रारंभ होने जा रहा है, तो उससे पूर्व जैसी की परंपरा है कुंभ की, उसमें कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन और ये नरोत्तम नगर जिसमें शिव पुराण महाकथा और सामूहिक रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ये नरोत्तम नगर के अंदर लाखों रुद्राक्षों से निर्मित 25 फुट ऊंचे शिवलिंग का बहुत ही सुंदर और मनोरम दर्शन आप कर सकते हैं। ये देखिए लाखों रुद्राक्षों से निर्मित ये शिवलिंग है, इसका बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन में सजाया गया है भक्तों श्रद्धालुओं के लिए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन इस रुद्राभिषेक के मंडप में चल रहा है, जिसमें आचार्यवर संगीत में कथा का आयोजन कर रहे हैं। ये बरसाना के श्रीमान मंदिर बरसाना का मंडप बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, जो परम विरक्त संत पद्मश्री रमेश जी बाबा महाराज के सानिध्य में ये मान मंदिर बरसाना का बहुत ही सुंदर मंडप इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये ब्राह्मण सेवा संघ शिविर है श्री धाम वृंदावन का, जिसमें विप्र महासम्मेलन और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और सामने आप देख सकते हैं गरुण भगवान की बहुत ही मनोरम झांकी जो है वो इस मंडप में सजी हुई है। ब्राह्मण सेवा संघ शिविर
श्री धाम वृंदावन। ये आप देखेंगे तो जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन को देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए जो आम जनमानस आया है, जो बच्चे आए हैं, जो लौकिक रूप से इस कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आनंद ले रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर बाजार, झूले और विभिन्न दुकानें इत्यादि यहां पर लगाई गई हैं। ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन 2021 के अंतर्गत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा बहुत ही सुंदर मंडप सजाया गया है, जिस मंडप में आपको बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहा है, जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन के अंतर्गत लगाया गया है, जिसमें बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्याओं से संबंधित प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत ही शानदार कलाकारों के द्वारा, और जिसे देखने के लिए बहुत सारा जन समूह, दर्शक गण भी उपस्थित हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में भजन संध्या को गायन करने वाले एक ब्रजवासी कलाकार विराजे हुए हैं। बाई ओर से देखेंगे तो एक पैड वादक, एक ढोलक वादक, एक तबला वादक, पीछे दो पुरुष और एक महिला कोरस करते हुए, इधर ऑर्गन और कीपैड लगा हुआ है, और दाहिनी ओर को मुरली वादक और उसके पीछे ठप वादक अपनी प्रस्तुति देते हुए वृंदावन 2021 के संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम। और ये श्रीधाम वृंदावन कुंभ बैठक 2021 श्री राम जानकी हनुमान मंदिर खालसा जैनपुर राजपुर कानपुर देहात श्री श्री 1008 सद्गुरुदेव श्री राम प्रियदास जी महाराज परमहंस जी के सौजन्य से लगाया गया है। ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृति ग्राम का एक विशाल मंडप जो है वो सजाया गया है, जिसमें ब्रज 84 कोष के समस्त धार्मिक स्थलों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत प्रमुख लीला स्थलियों के भौगोलिक विस्तार के प्रस्तुतिकरण पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी जो वृंदावन शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने लगाई है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो में मैं आपको इस पूरे संस्कृति ग्राम के दर्शन करा चुका हूं, जिसमें ब्रज 84 कोष के समस्त तीर्थ स्थलों के, लीला स्थलों के दर्शन चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से कराए गए हैं। और ये ब्रज 84 कोष का पूरा मानचित्र इस संस्कृति ग्राम के अंतर्गत दर्शाया गया है। यहाँ देखेंगे तो ये ब्रज की होली से लेकर लठामार होली, पागल बाबा मंदिर, निधिवन वृंदावन, रंगनाथ जी प्रेम मंदिर, 84 खंबा मंदिर, कालिया दह और मानसी गंगा, यमुना आरती, केसी घाट, इन सब की झांकी चित्रों के माध्यम से जो मैं आपको पहले पूर्व में एक वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, वो पूरी मनोरम झांकी यहाँ इस संस्कृति ग्राम के पांडाल के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है, जिसे चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से
ब्रज 84 कोष के अंतर्गत की कला संस्कृति धार्मिक पौराणिक आध्यात्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये संस्कृति विभाग ने इस पंडाल में पूरी झांकी को दिखाया है और आप ये देख सकते हैं एक लंबी चित्र प्रदर्शनी की श्रृंखला है जिसमें होली चबूतरा गोकुल के विविध धार्मिक स्थल रस्थान की समाधि ब्रह्मांड घाट महावन गिरिराज पर्वत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग नंदगांव वृंदाकुंड वृंदावन की गलियां पूरा माने ब्रज 84 कोस का जो स्थल है वृंदावन देवरा बाबा राल भांडीरवन मथुरा कृष्ण जन्म भूमि चिंतारण घाट वृंदावन ये सारे जो तीर्थ स्थल हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। ये राजकीय संग्रहालय मथुरा के द्वारा लगाई गई एक चित्र दीर्घा है जिसमें प्राचीन स्वरूपों को जो राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं उन स्वरूपों को या उनकी मूर्तियों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है और ये पूरा जो परिदृश्य है वो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन के अंतर्गत संस्कृति ग्राम जो कि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा लगाया गया ये प्राचीन पांडुलिपियां हैं। उन पांडुलिपियों के बड़े स्वरूप जो हैं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से मशीनों के माध्यम से विस्तार रूप में करके और इस संस्कृति ग्राम के अंतर्गत आपके समक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। ये संस्कृति ग्राम जो है ये पूरे ब्रज 84 कोस की एक झलक आपको दे सकता है। तो हमने पूरा कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन का ये संस्कृति ग्राम हमने इसके दर्शन किए हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये भगवान निम्बार्क महामुनीन्द्राय अनंत श्री विभूषित जगतगुरु निम्बार्काचार्य नित्य लीलालीन श्री सनत कुमार दास जी महाराज श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ टोपी वाली कुंज वृंदावन द्वारा स्थापित मुकुंद देवाचार्य नगर कुंभ मेला महंत ललिता शरण देव जी महाराज का ये मंडप जिसके अंदर साधु संत विराजे हुए हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन के अंतर्गत गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा बहुत ही सुंदर मंडप सजाया गया है जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर की विभिन्न पुस्तकें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत सुधा सागर भागवत नवनीत साधन सुधा सिंधु पूरा गरुण पुराण भागवत महापुराण ले रहा है धर्मशास्त्रांग पुष्कांग आरोग्यांग माने आप देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा साहित्य जो है वो इस कुंभपुर वैष्णव बैठक वृंदावन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें बच्चों से संबंधित और वयोवृद्ध जो साधक हैं उनसे संबंधित संपूर्ण सामग्री जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आरती संग्रह दुर्गा सप्तशती भजन सुधा बालकांड उत्तरकांड पूरे जो ग्रंथों का जो समूह है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गीता प्रेस गोरखपुर के इस पांडाल में।